800 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 800 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT JEE नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 800 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक्सरसाइज 1.3, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमें साइन का ध्यान रखना है कि ये नंबर प्लस का है, ये नंबर माइनस का। जब भी गुणा करते हैं, इंटू करते हैं, तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस माइनस। ध्यान रखना भाई, एक प्लस का है एक माइनस का है तो होगा माइनस, और दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं तो हो जाएगा आपके प्लस, ये ध्यान रखना। तो ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, 3 into 1 होगा आपके 3। अब आते हैं यहाँ पर, ये नंबर माइनस का ये नंबर प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस। 221 को किससे भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर रहता है, तो यहाँ आएगा 225। यस, नेक्स्ट आपके ये दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 का 0। 21 into 3 करेंगे तो 21 की टेबल, या ऐसे बोल दो 3 की टेबल बोल दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आने वाला है, चेंज नहीं होने वाला। अब आते हैं यहाँ पर 15 का 15 इंटू 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 0। वापस यहाँ पर भी ऐसे है, 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0, ये हो गया आंसर। माइनस माइनस क्या हो गया अभी आपके प्लस हो गया, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपके 132। 11 2 22 असल का 2, 11 और 2 हो गए 13, इंटू कर देंगे 10 तो ये आ जाएगा आपके 1320 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों प्लस के नंबर है, गुणा करोगे तो हो गया 9 या 27, और ये है आपका माइनस का 6। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और 6 को गुणा करेंगे पहले 6 से 6 7 जा 42, पीछे बचेगा 4, 6 2 जा 12, 12 + 4 होता है 16, और ये आ जाएगा आंसर। अब 18 5 जा होता है आपके 90, और माइनस माइनस होता है प्लस, और फिर आता है आपके माइनस का 4, 9 4 जा 36, और यहाँ पर आया है आपके माइनस। ऐसे हम करेंगे क्वेश्चन का सॉल्व। नेक्स्ट आपके दे रखा है, पहले हम क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 1 जा 2, ये प्लस का ये माइनस का तो हो जाएगा माइनस, और 3 4 जा होता है आपके 12। ये प्लस का नंबर है ये माइनस का नंबर है, तो प्लस माइनस माइनस, और 12 into 2 होता है आपके 24। वैसे जब प्लस होता तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये देखो ये नंबर है, प्लस हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 3 जा होता है आपके 18, और यहाँ पर भी होता है आपके 2 1 जा 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा आपके 36। ऐसे इसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको वेरीफाई करना है कि ये दोनों बराबर है, हमें क्या करना है वेरीफाई। तो सबसे पहले ये तो आपके कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और ये कहलाएगा आपका राइट हैंड साइड कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 18 को मल्टीप्लाई करना है 7 + -3। इसको सॉल्व करना है, आंसर लेके आना है। तो ये तो आपका 18 है, 7 + -, जब भी ब्रैकेट लगा हुआ ना, इसका मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
प्लस इनटू माइनस क्या होता है आपके, माइनस होता है, फिर यहाँ आएगा आपके 3, 18 का 18, और यहाँ पर जैसे आप माइनस करोगे तो ये आएगा 4 और यहाँ पर आएगा आपके 72। ऐसे हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व। अब हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है आपके 18 × 7 प्लस 18 × -3। सबसे पहला आएगा 18 × 7, तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपके 126। अब यहाँ पर देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 18 × 3 ये होता है आपके 54। माइनस करो 6 − 4 = 12 − 5 = 7। तो आप देखोगे कि ये और ये आंसर मैच कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। नेक्स्ट है आपके इसी का बी देर का है, बताना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। ये तो है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड, दोनों साइड लेनी है। तो पहले हम लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर है माइनस का 21 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 4 प्लस माइनस का 6 से। इधर सॉल्व करेंगे हम, तो ये तो है माइनस का 21। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो ये तो आपका माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 6 का 6, ये तो हो गया माइनस का 21। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई नहीं है तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब ये भी माइनस का ये भी माइनस का, मतलब माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ना है, ऐड करना है, साइन चेंज नहीं करना है। तो 6 और 4 होता है आपके 10, ज़्यादा कौन सा है आपके माइनस वाला ज़्यादा है, जब भी ऐड करते हैं ना तो साइन चेंज नहीं होता है। हाँ अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते 6 × 4 = 24 तो साइन चेंज होता। अब दोनों को मैंने ऐड किया है 6 और 4 हो गया 10, तो साइन बड़ा कौन सा है, माइनस का ही लगेगा आपके। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज होता है, जैसे 21 × 10 करेंगे तो ये आता है 210, माइनस माइनस क्या हो गया अभी आपके प्लस हो गए। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब लेते हैं यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लेते हैं, फ्रॉम राइट हैंड साइड जो दे रखा है आपके माइनस का 21 × -4 प्लस करेंगे हम माइनस का 21 × -6। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 21 × 4 होता है आपके 84, बीच में प्लस है ही है। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 × 6 होता है 126, दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो यही आएगा 210। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होता है आपके राइट हैंड साइड, दोनों साइड क्या हो गए भी आपके इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, फॉर एनी इंटीजर ए, मतलब कोई नंबर है ए, आ वॉट इज माइनस a × a = मतलब ए एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब कोई नंबर है, 4, 5, 7, 10 कोई भी नंबर है, इसका मतलब यही है कि ए आपका इंटीजर है। इंटीजर जो है ना वो क्या है आपका, ए है, ए मतलब कोई एक नंबर है। यहाँ पर ऐसा मान लो कि यहाँ पर 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो ये नंबर बता नहीं है आपको, बस ये एक नंबर है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास है माइनस का 1 और a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताना है, तो यही नंबर वापस आएगा। -1 को जो नंबर यहाँ पर है ना इसको मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर वापस आता है, बस साइन चेंज होता है, को ये आपके माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही नंबर वापस आता है, बट साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, -1 से, -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आंसर आपका आ जाए। तो देखो सबसे पहले हम ले रहे हैं ए पॉइंट, माइनस का 22 आपको लेके आना है, -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका आंसर माइनस का 22 हो जाए।
यहाँ पर हम x मान लेते हैं, अब ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, ऐसे भी कर सकते हो या अपने मन से भी लिख सकते हो भाई कि ये 22 कैसे आएगा। तो आप -1 तो है ही है, अब हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं प्लस का 22 लिख दूँ और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस का 22 आएगा, क्योंकि नियम है कि माइनस का 1 इंटू ए इजिकल टू माइनस का ए होता है। मतलब अगर आपको यहाँ पर माइनस का नंबर लाना है तो यहाँ पर आप प्लस के नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट में बताया भी था यहाँ पर ये वाला ही। तो अब लेते हैं यहाँ पर हम बी लेते हैं, अब बी में भी सेम है कि -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 37 प्लस का आ जाए। अगर यहाँ प्लस का लाना है तो सेम नंबर आपको यहाँ पर भी आपको लिखना है, यहाँ पर मैं क्या लेके आऊँ तो -1 का -1। अब जो नंबर यहाँ पर है सेम नंबर आपको यहाँ लिखना है, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पर मुझे प्लस का बनाना है, तो प्लस का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है आपका कि -1 को अगर आप किसी माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर आपके प्लस का बन जाता है ऐसे। तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा -37, और इसमें क्या आपके आंसर था प्लस का 22, कि 22 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 22 आएगा, माइनस के 37 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 प्लस का आ जाएगा। अब एक सी और वैल्यू दे रखा है, 0 लाना है हमें, -1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पर आपके 0 आ जाए, ये नंबर क्या होगा। तो बताओ 0 को ही मल्टीप्लाई करते हैं, 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, तो 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। मतलब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5, मतलब -1 × 5 से स्टार्ट करना है, और राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो, हमें एक पैटर्न भी बताना है और हमें शो करना है -1 × -1 = 1, यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक जाना है। देखो ये आपका नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन में यहाँ पर आपके 0 आता है, इधर आपके पॉजिटिव के नंबर आते हैं, इधर आपके नेगेटिव के नंबर आते हैं। ये बोल रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुझे -1 × 5 से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ लिखना भाई, फ्रॉम यहाँ से मल्टीप्लाई करना है और आपको ये लेके आना है। थोड़ा ध्यान रखना भाई, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक करना है, तो एक चीज़ ध्यान रखोगे तो ये और ये चीज़ आपके सेम आ रही है, यहाँ पर ये भी माइनस का है, तो देखो ये नंबर और ये नंबर तो आपके सेम आ रहा है, बस हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक पहुँचना है। मतलब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है प्लस के 5 से और यहाँ तक पहुँचना है, तो मुझे इन सभी नंबरों को लेना पड़ेगा। मतलब -1 तो है ही है फिक्स, अब यहाँ पर नंबर चेंज करने हैं मुझे, यहाँ पर भी आगे -1 लिखते रहो, अब बाकी ये नंबर चेंज होते रहेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड -1, ये देखो यहाँ तक -1 तक लाना है, और इधर -1 अभी भी है और लास्ट तक -1 ही है, तो यहाँ पर सब जगह क्या आएगा आपके, -1 आएगा ऐसे। बस ये आपको दिखाना है मल्टीप्लाई करके, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होता है, यहाँ पर -3 आएगा, -2 आएगा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो -1 आ जाएगा, यहाँ पर आपके 0 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही माइनस के हैं तो -+1 आ जाएगा। अब पैटर्न बताना है तो पैटर्न भी आप बता सकते हो, इन सब के लिए आप पैटर्न निकाल सकते हो,
कि मेरे पास क्या था, माइनस का 5 था पहले। अब यहां पर माइनस का 4 कैसे आएगा, इसमें 1 ऐड करने पर। फिर सेम है, अब ये माइनस 4 है, इससे ये क्या आएगा कि इसमें 1 ऐड करने पर। फिर -3 में 1 ऐड करोगे तो आएगा -k2 में, मतलब इसमें क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो आएगा। फिर -k1 में 1 ऐड करोगे तो आएगा, तो फिर यहाँ पर 0 है तो 0 में 1 ऐड करोगे तो आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, जो आपका प्रीवियस आंसर है उसमें आप 1 ऐड कर लो। जैसे मुझे ये 1 लाना है तो प्रीवियस आंसर में से 1 ऐड कर लो, तो ये आपका एक पैटर्न हो गया। तो ये क्या हो गया अभी, आपका एक पैटर्न, मतलब प्रीवियस नंबर प्लस 1, ये पैटर्न हो गया इससे। तो ये पैटर्न हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करना है और आपको साथ में बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो सिंपल सा है, देखो मैंने प्रॉपर्टी आपको पहले ही बेसिक में बता रखा है, वहां से आप सीख लेना एक बार। तो यहां पर देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इधर भी ऐसे एक ही बात है, 48 कैसे लिख, तो 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है, तो कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, अभी ऐसा नियम लगेगा आपके, ए बी प्लस ए सी इजिकल टू होगा, ए कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा बी प्लस सी। ये प्रॉपर्टी आपके इसमें यूज होने वाली है, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, डिस्ट्री ब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का इसमें क्या होगा भाई, यूज होगा। तो इसमें जो ए है ना, ए आपका ये कहलाएगा 48। अब चाहे आगे लिखा हो पीछे लिखा हो, तो 48 दोनों में इसकी तरह होगा भाई, आपके जो दोनों में कॉमन आ रहा है ना उसको आगे लिखना है, तो ये आ जाएगा आपके माइनस का 48। फिर बी और सी, तो जो जिसको आपने ए मान लिया हो गया, बाकी बच गया बी और सी। एक तो आपका 26 है, बीच में प्लस आएगा, और फिर है आपके माइनस का 36। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका काम बन जाएगा। तो ये तो है आपका माइनस का 48, और यहाँ पर देखो ये प्लस का है, और ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। तो ये तो है आपका माइनस का 48, और यहाँ पर देखो तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो जैसे ही माइनस किया था आया माइनस का 10। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके 480, और ये आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे करना है आपको। अब बी आपके दे रखा है, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी को, हमें यूज करना है कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी। अब वो क्या होती है कॉमुटेटिव, मैंने पहले ही आपको बेसिक बता रखा है। तो ए इंटू बी इंटू सी करो, या ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी करो, एक ही बात है। किसी को भी कभी भी आप चाहे ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, कैसे मल्टीप्लाई कर दो, पीछे वाले दो आगे कर दो, आगे वाले दो पहले कर दो, या आप चाहो तो ए और सी को मल्टीप्लाई करके फिर बी को कर लो, किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके क्या आएगा, सेम आएगा। ये कर लो, कुछ भी कर लो, मर्जी आएगी। तो हम भी क्या करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो पहले हम ये वाला कर देते हैं, कोई भी नंबर चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करो, चाहे बी को सी से पहले कर दो, या ए को सी से पहले कर दो, सब में सेम ही आता है। तो हम क्या करते हैं, ए को सी से करते हैं, 8 × −125, फिर करते हैं 53 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 1000 इंटू 53। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आंसर आएगा आपके माइनस में। 53 × 1000 करोगे दिया आएगा आपके 53,000, और ये हो जाएगा इसका बी का आंसर। इसका सी पॉइंट दे रखा है, तो इसमें भी देखो सब मल्टीप्लाई है, तो किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर लगता है कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी लगता है। प्रॉपर्टी का क्या होगा भी, आपके यूज होगा, जिसका मतलब होता है किसी भी नंबर को कभी भी कैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी को भी आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस ये है इसका मतलब। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 15 का 15 है ही, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं,
माइनस का 25 इंटू माइनस का 4, फिर आप इंटू 10 कर देना। कोई भी दो नंबर या तीन नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो इन दोनों को साथ में ले सकते हो। देखो ये तो हो गया आपके 15, और यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 100, फिर दे रखा आपके माइनस का 10। अब आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 इंटू 100 इंटू माइनस का 10, तो ये आएगा आपके 15, और यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर होता है 1000, और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है प्लस माइनस माइनस 15 वन जा 15 एंड 30 का आ जाएगा आपके 30। तो कोई भी नंबर कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो उसको उसके लिए हम लगाते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं डी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है। ये तो माइनस का 41 है और ये 102 है, हम क्या करते हैं इसको ऐसा कर देते हैं 100 प्लस 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर दो नंबर है, ये कब होता है भाई? देखो ऐसा होता है ए बी प्लस सी का मतलब होता है ए बी प्लस ए सी, और ये आपके कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो देखो ये जो नंबर बाहर था ना, ये दोनों में आ जाएगा, मतलब माइनस का 41 इधर भी आएगा और ये इधर भी आएगा। अब जो बीच में नंबर दे रखे हैं ना, उनको एक बार आगे लिखना है पीछे, बीच में जो नंबर दे रखे हैं उनको एक बार आपको यहाँ लिखना है और एक बार आपको यहाँ लिखना है, और ये आपका 2 है, एक तो 100 और एक 2 अलग अलग, बीच में आएगा आपके प्लस। ये आएगा माइनस का 4100, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 41 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा आपके 82। अब दोनों को ही ऐड कर लेंगे, दोनों ही माइनस के हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 4182, ये हो जाएगा इस डी का आंसर। इसमें देखो आपके ये नंबर सेम दो बार आ गया, तो मतलब ये हो गया आपके ए इंटू बी, इसे आप चाहो तो ए बी भी कह सकते हो। ए बी प्लस ए सी का मतलब होता है ए कॉमन आ जाएगा और पीछे बचेगा आपके बी प्लस सी बचेगा। ये हमारे पास है और ये हमें बनाना है, तो इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो दोनों में 625 है, इधर भी है इधर भी है, तो ये आएगा आपके 625 कॉमन आ गया। अब यहाँ बचा हुआ है आपके माइनस का 35, और ये देखो माइनस प्लस माइनस कॉमन आ गया, माइनस को हमने यहाँ नहीं लिया है, तो माइनस नहीं लेते इसको पास भेज दो, मैंने प्लस वाला लिया है तो इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपके प्लस माइनस का 65। ये माइनस 35 है, इसको भी माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्लस वाला कॉमन लिया है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो ये भी आपके माइनस का है और ये भी आपके हो गया माइनस का। दोनों ही माइनस के, तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा भी आपके 100, और दोनों में माइनस है, जोड़ बाकी करते समय मतलब ऐड लेस करते समय साइन चेंज नहीं होता है, मल्टीप्लाई करते समय साइन चेंज, जैसे यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस का तो माइनस हो जाएगा। ये है 625 और यहाँ पर 20 है, तो ये आ जाएगा आपके 20 और ये आ जाएगा इस ई का आंसर। नेक्स्ट आपके देर का है, इसमें देखो यहाँ पर कोई नंबर है ए और यहाँ पर आपके माइनस है, जब भी ऐसा होता है उसका मतलब होता है ए बी माइनस ए सी होता है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई आपके? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है भाई, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब ये तो हमारे पास दिया हुआ ही था, अब हमें ये लिखना है, ए मतलब जो बाहर है ना, ये दोनों तरफ लिखना है आपको, मतलब 7 यहाँ पर भी और 7 यहाँ पर भी,
बी सी मतलब ये वाले बी और सी, बी हो गया आपके 50 और सी हो गया आपके 2, और बीच में लिखना है आपको माइनस, तो ये तो होता है आपके 350 और ये होता है आपके 14। अगर आप दोनों को माइनस करते हो तो ये आ जाएगा आपके 336 होगा। अब ये नंबर दे रखा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि माइनस का 17, ये तो ऊपर हो गया आपके माइनस का 17, और यहाँ पर देखो 29 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 30, तो आपके चाहो तो माइनस का लिख दो और साथ में लिख दो प्लस का 1। एक ही बात, देखो 30 माइनस का होगा, ये प्लस का होगा तो हो जाएगा 29। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान लगाओगे तो ये आपका ए मान लो, इसको तो आप ए मान लो, और बीच में है बी प्लस सी, इसका मतलब होगा आपके ए बी प्लस ए सी होगा, और प्रॉपर्टी यूज होगी भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो करो यूज और सॉल्व करो। तो ए तो आपका हो गया माइनस का 17, जो इधर भी आएगा इधर भी आएगा, तो माइनस का 17 इधर भी माइनस का 17। बी और सी, तो बी और सी आपके ये दोनों हैं माइनस का 30 और साथ में है आपके प्लस का 1, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, और 17 3 जा होता है 51, माइनस प्लस माइनस 17 का 17। अब जैसे ही दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 493, ये हो जाएगा इस जी का आंसर। ई पॉइंट दे रखा है, जैसे 57 यहाँ पर भी, 57 यहाँ पर भी है, इसके पास तो आपके 19 है, इसके पास नहीं है तो क्या करो, ऐसे 1 लगाकर बना दो, माना कि यहाँ पर 1 है, ऐसा बना दो, कुछ नहीं है तो 1 तो होते ही। तो यहाँ पर हो गया आपके, अगर फॉर्मूला अगर ध्यान लगाएं तो ये होता है आपके ए बी, बीच में है प्लस, ये होता है आपका ए सी, तो उसका मतलब होगा ए बी प्लस सी होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, तो हमारा उत्तर ये है ए, ए मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 57। अब चाहे माइनस का लिखो प्लस का लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर प्लस का लेते हो तो ये माइनस इधर जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर तो ऑलरेडी प्लस ही है, और ये हो गया आपके 1। तो 57 का 57, और 19 प्लस 1 होता है आपके 20, तो 0 का 0। अब 2 7 जा 14, 1 10 प्लस 1 होता है आपके 11, ये होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। देखो अभी जो टेम्परेचर है रूम का वो 40 डिग्री सेल्सियस है, और आपको क्या करना है कि इसको 5 डिग्री एवरी आवर कम करना है, उसे लोअर करना है 40 से, अभी तो 40 है, 40 से आपको 5 डिग्री एवरी आवर आपको इसको कम करना है। वॉट विल द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर, तो 10 घंटे बाद क्या होगा, तो आपको एवरी आवर 1 घंटे में 5 डिग्री आपको कम करना है। तो सबसे पहले लेते हैं भाई हमारा अभी जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो हम यहाँ लेते हैं भाई आपके इनिशियल टेम्परेचर, इस वक्त आपका जो रूम का जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, जो काफ़ी गर्म होता है। अब आपको एवरी आवर 5 डिग्री क्या करना है, कम करना है, तो आपका जो रूम टेम्परेचर है वो क्या करना है, आपको डिक्रीज करना है एट 5 डिग्री सेल्सियस करना है, वो भी आपको पर आवर, ये आपको कम करना है। अब 1 आवर में आपको देखो, 1 आवर के अंदर आपको जो टेम्परेचर है वो कम करना है, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब होता है माइनस में, 1 घंटे में इतना करना है। तो बताइए कि 10 आवर में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस से, तो टेम्परेचर हो जाएगा माइनस में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये कमी है, डिक्रीजिंग है, तो ये आपका डिक्रीज आया है,
मतलब इतनी कमी हो गई अभी आपके, डिक्रीज आ गया 50 डिग्री का। अब हमें बताना है 10 घंटे बाद क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रूम का जो टेम्परेचर है आफ्टर 10 आवर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें लेना है इनिशियल कितना है वो हमें लेना है, पहले कितना था प्लस कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर में जो चेंज आया है इन 10 आवर वो आपको लेना है। तो इनिशियल टेम्परेचर पहले कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, अब मैं अंश के अंदर कमी कितनी आएगी आपके माइनस के 50 डिग्री सेल्सियस। ये तो है आपका 40 और ये प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो जैसे ही माइनस करोगे तो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस ये आएगा इस टाइम रूम का जो टेम्परेचर है 10 घंटे बाद ये होगा। क्वेश्चन नंबर आपके दे रखा है 7। इन ए क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। 5 मार्क आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 5 मार्क मिलेंगे, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 2 नंबर माइनस होंगे। अगर आप गलत करते हो तो, और नहीं गलत करते हो या क्वेश्चन ही नहीं करते हो तो नंबर आपका नहीं कटेगा, और एवरी इनकरेक्ट आंसर पर मिलेगा, और 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपके 0 मिलेगा आपको, अटेम्प्ट नहीं करते हो तो, अटेम्प्ट करते हो तो 5। तो स्टार्ट करते हैं, देखो भाई सबसे पहले लिखते हैं टोटल क्वेश्चन कितने हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं भाई टोटल जो क्वेश्चन है एग्जाम जो ले रहे हैं ना उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बताना है कि कितने नंबर मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के। तो यहाँ लिखते हैं भाई करेक्ट आंसर के आपको नंबर मिल रहे हैं 5 नंबर प्लस होंगे आपके, और मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर आप यहाँ पे लिखते हो इनकरेक्ट आंसर तो आपको मिलेगा माइनस में 2। और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, मार्क फॉर नो अटेम्प्ट, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ना आपका माइनस होगा ना आपका प्लस होगा, 0 मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल 3 अलग-अलग लड़के हैं, एक मोहन है, एक रेशमा है और एक हीना है, एक लड़का दो लड़कियाँ। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम मोहन से स्टार्ट करते हैं। मोहन ने 4 तो करेक्ट दिए हैं, 4 तो दिए हैं करेक्ट आंसर, और 6 दिए हैं इनकरेक्ट आंसर, 6 है इनकरेक्ट आंसर। देखो करेक्ट आंसर के 5 नंबर मिलते हैं एवरी क्वेश्चन के, तो 4 × 5 हो जाएगा आपके 20, और इनकरेक्ट के माइनस होंगे तो 6 × −2 तो ये हो जाएगा आपके −12। 4, 6 हो गया 10 टोटली। तो इसने क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसने, तो अगर इसके टोटल मार्क्स अगर हम बताएं तो वो हो जाएगा आपके 20 + −12, दोनों नंबर ऐड कर लो, ऐसे माइनस करना होता है, तो 20 + −−12 तो आपके नंबर आए भाई 8 नंबर आए किसके, मोहन के। अब मोहन के बाद बारी आती है रेशमा की, तो इसके बाद में हम लेते हैं आगे रेशमा। इसने क्या किया भाई, 5 करेक्ट 5 इनकरेक्ट, तो 5 तो है भाई इसका करेक्ट, करेक्ट आंसर 5 है, और 5 हो गया आपके इनकरेक्ट आंसर, टोटल हो गए ना यहाँ पर 10 क्वेश्चन। यहाँ पर देखो हो गए 10 क्वेश्चन टोटल। अब मार्क्स कितने मिलेंगे आपको, करेक्ट आंसर और ये इनकरेक्ट आंसर, करेक्ट इनकरेक्ट हो गए ये वाले। अब मार्क्स कितने मिल रहे हैं, करेक्ट मिलने पर 5, इनकरेक्ट पर माइनस में 2, तो ये तो हो रहा है आपके 25 और ये हो रहा है आपके −10। अगर आपको इसका टोटल मार्क निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर दो,
25 माइनस 10 इज इक्वल टू होता है आपके 15। अब रेशमा के बाद कौन आ रही है? हीना आ रही है। तो हीना ने क्या किया भाई, दो करेक्ट, फाइव इनकरेक्ट और टोटल 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ही नहीं। तो इसके बाद लेते हैं भाई हम हीना, 5 तो है भाई करेक्ट आंसर, 5 नहीं है, कितना है, 5 करेक्ट है, ए 2 करेक्ट है, 5 इनकरेक्ट है भाई। तो 2 तो है इसके करेक्ट आंसर और 5 है इसके इनकरेक्ट आंसर। और इसने 3 क्वेश्चन नो अटेम्प्ट, इसने अटेम्प्ट भी नहीं किए भाई। तो सही करने पर आपको नंबर मिलेंगे 5, रॉन्ग करने पर आपके नंबर होंगे -2। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये 3, 2 तो करेक्ट है, 5 इनकरेक्ट है और 3 आपके नो अटेम्प्ट है। अब यहाँ पर देखो इसके जो आंसर है इसको 0 मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि इसने क्वेश्चन अटेंड नहीं किए। ये तो हो गया आपके 10, ये हो गया आपके -10, तो टोटल 0 ही होता है। अब 0 0 को ऐड कर लो तो भी 0 ही आएगा आपके, तो मतलब इसको कोई नंबर ही नहीं मिला, हिना को 0 नंबर मिला। क्वेश्चन नंबर 8 आपके देर का है। ए सीमेंट कंपनी अर्न ए प्रॉफिट 8 रुपीज़ पर बैग, मतलब 8 रुपये पर बैग पर वो प्रॉफिट कमाती है, और वाइट सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ 5 रुपीज़ पर बैग ग्रे सीमेंट। अगर वो 8 रुपीज़ में सोल्ड करती है तो प्रॉफिट कमाएगी, और अगर वो 5 रुपीज़ में बेचेगी तो सीमेंट में क्या होगा भाई, उसको लॉस होगा। एवरी बैग पर, कोई भी बैग को वो 8 रुपये में अगर सेल करती है तो वो उसको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है उसको, लेकिन 5 में अगर उसको सोल्ड कर देगी मतलब कम में बेचेगी तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो हमारे पास क्या गिवन है, पहले हम इन्हीं पॉइंटों को ले लेते हैं। अगर आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज का, मतलब आप वाइट सीमेंट बेचते हो तो आपको 8 रुपये कमाते हो, लेकिन अगर आप ग्रे सीमेंट बेचते हो तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। लॉस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे ग्रे सीमेंट, अगर आप ग्रे सीमेंट बेचते हो तो आपको क्या होता है, लॉस होता है, 5 रुपये पर बैग पर आपको लॉस होता है। तो हमें दो कंपनियां दे रखी है, दोनों के बारे में बताना है किसको क्या लॉस हुआ, किसको क्या प्रॉफिट हुआ। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम नंबर 1 हम लेते हैं कंपनी, कंपनी लेते हैं यहां पर हम। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि 3,000 बैग व्हाइट सीमेंट के बेचे और 5,000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचे, तो बताओ उसको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉफिट, लेते हैं प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट। देखो व्हाइट सीमेंट के बैग कितने हैं, 3,000 है, तो ये आएगा आपके 3,000 × 8, ये हो गया आपके 24,000 का प्रॉफिट हो गया। अब हम लेते हैं यहां पर लॉस हो रहा है 5,000 बैग पर, तो यहां पर लेते हैं हम लॉस ऑन ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट पर आपको जो लॉस है वो हो रहा है आपके, कितने बैग है टोटल, 5,000 बैग है, और हमें लॉस हो रहा है कितना, 5 रुपीज़, तो ये हो जाएगा आपके 25,000। तो ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है। तो अगर आप यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, आपको लॉस ही हो रहा है, लॉस ज़्यादा है ना आपका, तो 25,000 में से आप 24,000 माइनस कर दो, इसका मतलब हो गया कि आपने 1,000 रुपये का लॉस किया है। अब लेते हैं यहाँ पर हम बी पॉइंट लेते हैं। बी पॉइंट है कि वाइट सीमेंट के बैग कितने बेचे, आपने ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको क्या हुआ भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस, और आपने ग्रे सोल्ड बेचे 6,400 रुपये। तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम नहीं है कि भाई
प्रॉफिट कितना हुआ, कितना हमने सेल किया, तो हम क्या करते हैं ऐसे ही निकाल लेते हैं प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट को आपको कितना प्रॉफिट हुआ, अब हमें मालूम नहीं कितना बैग हमने बेचा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्स इंटू 8 रुपीज़ कर देते हैं, तो वो आ जाएगा आपके 8x। अब लेते हैं लॉस ऑन ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट पे कितना लॉस हुआ कि आपने टोटल 6,400 बैग बेचे हैं 5 रुपीज़ से, तो ये हो गया अभी आपके 32,000। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो गैप है वो जीरो है, मतलब ये बोल रहा है कि दोनों बराबर है। देखो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है कि मतलब आपके दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब आपका प्रॉफिट इक्वल होगा आपका लॉस, दोनों इक्वल होते हैं ना, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये तो आपका 8x है और ये आपका 32,000 है। अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा आपके डिवाइड में, तो एक्स का वैल्यू आएगा 32,000 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा आपके 4,000। मतलब आपने 4,000 बैग अगर आपने यहाँ पर वाइट सीमेंट के बेचते तो यहाँ पर 32,000 आता और दोनों का बराबर बराबर हो जाते और नो प्रॉफिट नो लॉस होता, तो मतलब आपने 4,000 वाइट बैग बेचे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर, कोई नंबर लिखना है और इस स्टेटमेंट को आपको ट्रू बनाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई नंबर ढूंढना, माना कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, आपको ए बी सी डी का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो माना कि यहाँ पर आपके ए है, यहाँ पर आपके बी है, यहाँ पर आपके सी है और यहाँ पर आपके डी है, और ए बी सी डी का वैल्यू क्या करना है, अभी फाइंड करना। यहाँ पर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, सो ए का वैल्यू आएगा 27 अपॉन माइनस का 3। ये नंबर प्लस का है, ये नंबर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस और 3 का डिवाइड 27 में जाएगा आपके 9 टाइम। अब ये मल्टीप्लाई का जाएगा डिवाइड में, तो बी का वैल्यू आएगा माइनस का 34 5 अपॉन 5, प्लस माइनस माइनस इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, मतलब बी का वैल्यू क्या है आपके, माइनस का 7 है। नेक्स्ट टाइम है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और सी का वैल्यू आएगा माइनस का 56 अपॉन माइनस का 8, तो ये कैंसिल हो गया और ये 7, मतलब यहाँ पर अगर प्लस का 7 होता, इसको माइनस 8 से मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 56 आता आपके। अब यहाँ पर देखो तो ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और डी का वैल्यू आएगा 132 अपॉन माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस, और जैसे ही 12 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 11 टाइम और ये आ जाएगा आपके डी का आंसर।